मोतिहारी में ईसीआर के यू रेल में निजीकरण एवं निगमीकरण का विरोध। कर्मचारियों को जबरन 55 वर्ष की आयु या 33 वर्ष की नौकरी के बाद रिटायर करने की योजना। एनपीएस को खत्म नहीं करने, टीएओटी नाइट ड्यूटी अलाउंस खत्म करने की योजना। डीए नहीं देने, कर्मचारियों की संख्या आधा करने की योजना। नई भर्ती पर रोक लगाने की योजना। सारे पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन को निजी हाथों में सौंपने की योजना। स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने की योजना। कर्मचारी संगठनों को खत्म करने की योजना के विरुद्ध एक जन जागरण सप्ताह का आयोजन किया गया है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश में आम जनता, बेरोजगार, रेल उपभोक्ताओं को शामिल कर आंदोलन चलाया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में मोतिहारी में ECRKU द्वारा शाखा मंत्री दिलीप कुमार के नेतृत्व में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जो रेलवे कॉलोनी के भ्रमण के बाद फाटक संख्या 160 और 161 से होती हुई मार्केट में जाकर रेलवे स्टेशन पर खत्म हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में रेल कर्मचारियों ने भाग लिया और सरकार विरुद्ध नारेबाजी की। स्टेशन पर एक महती सभा के साथ रैली समाप्त हुई। रैली में भाग लेने वालों में कृष्ण चंद्र प्रसाद, रामनाथ दिलबहार, संतोष तिवारी, विनोदानंद भारती, धीरज, महेश सिंह, अनिल पप्पू, राजकिशोर आदि शामिल थे। 3A न्यूज के लिए मोतिहारी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के विरुद्ध ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की मोतिहारी शाखा द्वारा एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग निगमीकरण और निजीकरण का विरोध कर रहे हैं और रेल कर्मचारी के साथ आम जनता को भी आगाह कर रहे हैं कि रेल के निजीकरण से उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत सरकार कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने की योजना बना रही है, जिसमें 55 वर्ष की आयु प्राप्त की है या 30 वर्ष की सेवा वाले लोगों को हटाने का उसका प्लान है। यह सारी सुविधाओं को रेल कर्मचारियों को खत्म कर रही है, न्यू पेंशन स्कीम को खत्म नहीं कर रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लागू कर रही है, कर्मचारियों का साइज आधा कर रही है, भर्ती बंद कर दी है और सारे रेल उपभोक्ताओं पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि हर चीज का पैसा लगने वाला है। अगर आप बाथरूम तक जाएंगे तो आपको पैसा लगेगा। इसलिए यह विरोध प्रदर्शन सारे लोगों को, पूरे भारत के लोगों को यह आगाह करने के लिए, उन्हें हमारे साथ आने के लिए, और रेल मंत्री और भारत सरकार द्वारा जो श्रम विरोधी कानून की भी योजना है उसको ध्वस्त करने के लिए हम लोग यह रेलवे में यह सप्ताह मना रहे हैं और यह प्रदर्शन कर रहे हैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर। धन्यवाद।